चाहूंगा कि 117वां संशोधन बिल, क्योंकि इसके लिए अनुसूचित जाति जनजाति के तमाम संगठनों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की हुई है जिसमें लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। आज भी एक हियरिंग थी लेकिन उसमें 350 पिटीशन जो समता आंदोलन समिति के अनरिजर्व कैंडिडेट ने डाली वो फिर डेफर हो गई मार्च के महीने में, मार्च के महीने में सुनी जाएगी। यानी कि जो सीनियर एडवोकेट हमने जो आज के लिए एंगेज किए थे वो पैसे लेके चले गए, अब फिर मार्च के लिए हमें पैसा देना पड़ेगा। तो माननीय कठेरिया साहब आपसे अनुरोध है कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, माननीय मोदी जी से कहिए इतने बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं, 117वां संशोधन बिल पास कराने का भी निर्णय लें जिससे कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी आपकी योजना। रामशंकर कठेरिया जी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के माननीय चेयरमैन, आदरणीय बीएस भारती जी और इंडिया फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल केपी चौधरी जी, उपस्थित सभी मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग 9 वर्ष की इस साल के पहले महीने में गेट टुगेदर ग्रुप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि केपी चौधरी साहब ने अभी बताया कि बहाना कोई भी हो लेकिन हमें अपने समाज की बात जरूर सबके सामने रखनी चाहिए। तो पहले तो मैं आप सभी को और आपके परिवार को इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप माननीय चेयरमैन साहब, आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, यहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये कर्मचारी अधिकारी संगठनों के तमाम पदाधिकारी गण हैं और एक मन में इनके में सभी के में ये चिंता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस संघर्ष के साथ पूना पैक्ट का समझौता जो किया था जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में, विधानसभाओं में, संसद में, अन्य सरकारी संस्थानों में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, लेकिन आज जो वर्तमान स्थिति जो चल रही है उसके देखते हुए लग रहा है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कड़ा संघर्ष किया था आज वो बहुत ज्यादा हम लोगों के सामने ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई कि जिसके बारे में हम पूरे देश में एक चर्चा हमने छेड़ने का प्रयास किया है। ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन, क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ा संगठन है, उसमें पहले 14 लाख कर्मचारी हुआ करते थे आज से 3 साल पहले, अब मात्र 12 लाख कर्मचारी रह गए। और रेलवे के अंदर जिस तरीके से निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है उससे सामान्य वर्ग के लोग ही नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग बहुत भयभीत हैं, क्योंकि जो शुरुआत की गई वो सबसे पहले ऐसी जगह से की गई जो सबसे निम्न पायदान पर खड़ा हुआ हमारा कर्मचारी सफाई कर्मचारी था। पूरे सफाई कर्मचारी जो सफाई का काम था पूरा आउटसोर्सिस कर दिया गया। उसके बाद अभी एक नया आदेश जारी किया गया रेलवे के द्वारा कि जो 7 प्रोडक्शन यूनिट हैं जो मुनाफे में चल रही हैं, जो अपने इंजन और डिब्बों को बनाकर के विदेशों में भी सप्लाई करते हैं, उनको आउटसोर्सिंग और निजीकरण के हाथ में दे दिया जाए। हमारी जो मुनाफे में रेल चल रही है 100 रूट पर 150 प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएंगी। नई दिल्ली से लखनऊ तेजस एक्सप्रेस चलाई गई, बॉम्बे से अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस चलाई गई, इंजन हमारा है, ड्राइवर हमारा है, सिग्नलिंग सिस्टम हमारी है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है, लेकिन वो प्राइवेट हाथ में दे दिया गया।
मैं माननीय चेयरमैन साहब आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि अगर रेल घाटे में चल रही है तो उसका खरीदने वाला काय के लिए ले रहा है, और अगर रेल मुनाफे में चल रही है तो उसको बेचा क्यों जा रहा है। जिस तरीके से अभी एयर इंडिया के बारे में चलिए बातें जारी हुए कि एयर इंडिया का 100% स्टेप वो प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा और निजी कंपनी को वो चलाने के लिए दे दिया जाएगा। वो नाम यही यूज करेगा, मैनेजमेंट किस तरीके से चलाना है उसको वो डिसाइड करेगा, क्योंकि 58,000 करोड़ रुपए का घाटा एयर इंडिया को दिखाया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एयर इंडिया में जो घाटा है वो मैक्सिमम उन लोगों के द्वारा घाटा पैदा किया गया है, उसमें जो सफर करने वाले लोग हैं वो सारे सरकारी कर्मचारी होते हैं, सारे सरकारी अधिकारी होते हैं। डिपार्टमेंट में जितने भी यात्राएं करते हैं हवाई जहाज से वो एयर इंडिया के द्वारा की जाती है, मंत्री जो यात्रा करते हैं वो एयर इंडिया के द्वारा करते हैं, एमपी जो यात्रा करते हैं वो एयर इंडिया के द्वारा करते हैं, यानी जितना भी उनके द्वारा जो खर्च किया गया है बहुत सारा आउटस्टैंडिंग पैसा सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर पड़ा हुआ है जो आज तक उनसे वसूल नहीं किया गया है, और पूरी एयर इंडिया को आउटसोर्सिंग में दे दिया गया। 1932 में टाटा ने एयर इंडिया को पैदा किया था और 1947 में सरकारी तौर पर इसको सरकार के हाथ में दिया गया। जितने भी सरकारी तंत्र थे, मैं रेलवे की, क्योंकि मैं रेलवे से संबंधित हूं और मुझे चिंता इस बात की है कि 12.5 लाख में से 3.5 लाख ST कर्मचारी हैं। अगर सारी रेलवे को धीरे धीरे आउटसोर्सिस कर दिया जाएगा, धीरे धीरे उसको प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो प्राइवेट में निजी प्राइवेट में ST के रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय चौधरी साहब ने यह मुद्दा रखा है कि प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन होना चाहिए। हम जाने कब से चिल्ला रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन होना चाहिए। आप जुडिशरी में रिजर्वेशन मांग रहे हैं, आप हर क्षेत्र में रिजर्वेशन मांगना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं वर्तमान में जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें 30% बैकलॉग चल रहा है, 30% बैकलॉग को आज तक नहीं भरा गया, और जो मुद्दे हमारे रिजर्वेशन को लेकर के चल रहे हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किए गए हैं। माननीय जनरल सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जो मुकदमा हुआ, जो पहले नागराज के केस में जो हुआ था कि 3 बिंदुओं पे आप सर्वेक्षण करा लें और उसके बाद में आप रिजर्वेशन इन प्रमोशन देते रहे, लेकिन वो चैलेंज हुआ जनरल सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि बैकवर्ड इन पर लागू नहीं होता और रिजर्वेशन देने में कोई एतराज नहीं है, सरकार को दे देना चाहिए, और एक जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने कि रिजर्व टू रिजर्व, अनरिजर्व टू अनरिजर्व एंड ऑन मेरिट प्रमोशन कर देना चाहिए। लेकिन आज पूरे डिपार्टमेंट में, रेल में ही नहीं दूसरे अन्य केंद्रीय कर्मचारी डिपार्टमेंट में आज जो प्रमोशन हो रहे हैं वो SC ST के रिजर्वेशन में, जो SC ST का कर्मचारी सीनियरिटी में आ रहा है उसको भी नहीं प्रमोशन मिल रहा, क्योंकि वो बॉटम पे है और उसको जंप कराएंगे नहीं तो SC ST की वैकेंसी को भरा नहीं जाता। जब भरा नहीं जाता तो वो बैकलॉग में चली जाती है, और बैकलॉग में जब चली जाती है तो हमारे SC ST कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिलता। तो दोस्तों आज स्थिति बहुत ही दयनीय है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। मैं माननीय कठेरिया साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि 117वां संशोधन बिल, क्योंकि इसके लिए अनुसूचित जाति जनजाति के तमाम संगठनों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की हुई है जिसमें लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। आज भी एक हियरिंग थी, लेकिन उसमें 350 पिटीशन जो समता आंदोलन समिति के अनरिजर्व कैंडिडेट ने डाली वो फिर डेफर हो गई मार्च के महीने में सुनी जाएगी। यानी कि जो सीनियर एडवोकेट हमने जो आज के लिए एंगेज किए थे वो पैसे लेके चले गए, अब फिर मार्च के लिए हमें पैसा देना पड़ेगा। तो माननीय कठेरिया साहब आपसे अनुरोध है कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, माननीय मोदी जी से कहिए इतने बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं, 117वां संशोधन बिल पास कराने का भी निर्णय लें जिससे कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी आपकी योजना करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर यह सरकार चल रही है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार शपथ ली थी तो संसद में जाकर के उसकी डोरियां चूमी थी। दोस्तों आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से यह सरकार चलने वाली सरकार, बाबा साहब को अगर वास्तव में सम्मान करना चाहती है तो 117वां संशोधन बिल पास होना चाहिए, क्योंकि पदोन्नति में आरक्षण,
बिल्कुल रिजर्वेशन एंड प्रमोशन बिल्कुल खत्म हो गया है। सीनियरिटी से एससी एसटी के लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है। आप केंद्रीय कर्मचारी बहुत सारे लोग बैठे होंगे, आप देख रहे होंगे, एलआईसी का मुझे ज्यादा पता नहीं। हमने जब मालूम पड़ा हम लोगों को कि हमारे 7 कंपनियां जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट है वो उनको आउटसोर्सिंग किया जा रहा है, तो हमने पूरे देश के अंदर एक ही दिन में हमने भोजन उपवास में पूरे देश के अंदर एक आंदोलन किया और सफल आंदोलन रहा, जिसके लिए हमें पीयूष गोयल जी ने बुलाया था और उन्होंने कहा था कि आप चिंता क्यों करते हो, हम आपके रिजर्वेशन को खत्म करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमने उनको स्पष्ट बोला कि इसमें रिजर्वेशन खत्म ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर आप आउटसोर्सिंग कर दोगे, आज की डेट में निजीकरण में चली जाएंगी, ये प्राइवेट हो जाएंगी, प्राइवेट हो जाने के बाद में कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, इस बात के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ चौधरी साहब का कि इन्होंने प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन की मांग रखी है। अगर प्राइवेटाइज रिजर्वेशन की मांग, तो दूसरी मांग है, सबसे पहले पदोन्नति में आरक्षण का बिल पास होना चाहिए, बैकलॉग वैकेंसी भरनी चाहिए, उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन की मांग करो। तो दोस्तों, बहुत सारे मुद्दे हैं जो यहाँ पर मुझे बोलने चाहिए थे। चौधरी साहब ने मेरा समय माननीय चेयरमैन साहब के सामने रखा था, मैं माननीय चेयरमैन साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनके दिल में दर्द है हम लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए। और मुझे माननीय चेयरमैन साहब ने कमेंट्स भी किया था जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। मैं बहुत दिन से मांग कर रहा था कि माननीय चेयरमैन साहब आप रेलवे का रिव्यू कीजिए, आप रेलवे की हमारी बहुत सारी समस्या हैं। तो माननीय चेयरमैन साहब ने नॉर्दर्न रेलवे का रिव्यू किया, हमारे जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे का, और जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे के सामने माननीय चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं। मुझे ये कहना पड़ा कि साहब हमारी कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि इनके भय से जो हमारे जनरल मैनेजर, जो हमारा प्रिंसिपल सीपीओ, जो कार्मिक अधिकारी होता है, उसने जितनी भी समस्याएं थी वो उससे 3 दिन पहले एक इन्फॉर्मल मीटिंग बुला करके, एक औपचारिक बैठक बुला करके सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। अगर सारे डिपार्टमेंट के हेड्स को ये बुलाने का प्रयास करेंगे, सारे डिपार्टमेंट के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके पदाधिकारियों को बुला करके कोई चर्चा करना चाहेंगे, तो मैं समझता हूँ इनके या चर्चा तो बाद में होगी, हमारी समस्याओं का 50% समाधान तो ऐसे हो जाएगा। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो हमारी लोगों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए आप तत्पर हैं, और जब कभी भी हम आपके सामने गए, जब कभी भी हमने आपके सामने कोई समस्या रखी है उसको आपने बड़ी सीरियसली सुना है, बड़ी गंभीरता से लिया है और उसका समाधान करने का प्रयास किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज के इस परिप्रेक्ष्य में के पी चौधरी साहब का कि उन्होंने इसका आयोजन रखा, मौका कोई भी हो, माननीय भारती जी का, माननीय राजेंद्र जी का, और ख़ास करके अपने कठेरिया साहब का कि आपने व्यस्तम समय में से अपना समय निकाल करके हम लोगों को यहाँ पर आकर के हमारी समस्याओं को, हमारी बात को सुनने का जो कष्ट किया है, हम आपके आभारी हैं। और जो मेमोरेंडम हम लोगों ने दिया है, इस मेमोरेंडम में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस सी एस टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें तमाम अधिकारी कर्मचारी संगठनों के लोग हैं, हम लोगों का पूर्ण समर्थन है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के सामने हमारे मेमोरेंडम को आप भेजेंगे, और हम आपसे ये भी अनुरोध करते हैं कि कोई समय निकाल करके आप माननीय प्रधानमंत्री से समय लीजिए, जिससे कि फेडरेशन के जितने भी हमारे नेता लोग हैं अपनी समस्या को प्रधानमंत्री जी तक हम ले जा करके अपनी समस्या को अवगत करा सकें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।